हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि व्हाट्सएप में गूगल स्टोरेज बैकअप क्या आता है। जब भी आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गूगल स्टोरेज बैकअप क्या होता है। जब भी आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं, जब भी आप व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। और इसे कैसे आप प्रॉब्लम के सॉल्व करेंगे, क्या होता है, कैसे इसे यूज़ किया जाता है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से अपने व्हाट्सएप में गूगल स्टोरेज बैकअप क्या होता है और कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज किया जाता है। आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, सबसे पहले आप जब भी आप व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, गूगल स्टोरेज बैकअप। और यहां से देखिए आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेगा, डेली का, और वीकली का, और यहां से मंथली का और नेवर का। तो जैसे आपको बता दें कि यहां पर आपने चाहे तो यहां से गूगल स्टोरेज का जो बैकअप होता है यहां से आप डेली ले सकते हैं, यहाँ से हफ्ता में ले सकते हैं, एक महीने में ले सकते हैं, नेवर ले सकते हैं, या तो नहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आपने गूगल स्टोरेज का बैकअप लेना चाहते हैं, अपने व्हाट्सअप को बैकअप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी को ऐड करना पड़ेगा। जब भी आप यहाँ से ईमेल ऐड करेंगे तभी आप उस ईमेल पर आप अपने बैकअप ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये सब नहीं चाहिए, आपको सिर्फ हटाना है, तो आपको सिंपल सा तरीका है ये हटाने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में से आप इस ऑप्शन पर आपको अगर नहीं चाहिए, आपको अगर गूगल स्टोरेज बैकअप नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि अपने ईमेल पर आपको बैकअप नहीं लेना है, तो सिंपल सा आपको नेवर पर क्लिक कर देना है। जिससे कि आपको इस प्रॉब्लम आ रहा है व्हाट्सअप में, जब भी आप व्हाट्सअप खोलते हैं और व्हाट्सअप जब भी खोलते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस आता है। तो आपको क्या कहना है, इस व्हाट्सअप में से ये प्रॉब्लम आपको हटाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस हटाना है आपको। तो देखिए, हटाने के लिए आपको क्या कहना होगा, सबसे पहले आपको समझ लीजिए कि होता क्या है। गूगल स्टोरेज बैकअप ये होता है कि कोई भी अपने फोटो का, किसी भी आप वीडियो का, किसी भी चैट का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप यहां से ईमेल ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उस पर बैकअप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सब नहीं लेना है, आपको सिर्फ हटाना है, तो सिर्फ आपको नेवर पर क्लिक कर देंगे। और नेवर पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ में एक डन करने का ऑप्शन मिलेगा, डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से नोटिफिकेशन देख रहा है ऑन करने के लिए, इस पर कट कर देंगे। और कट करने के बाद आप देखेंगे कि वो आपका व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने व्हाट्सअप को फिर से ओपन कर सकते हैं। अगर आपको जब भी आप व्हाट्सअप खोलते हैं, व्हाट्सअप खोलते समय आपको गूगल स्टोरेज बैकअप का ऑप्शन आ रहा है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने प्रॉब्लम हटा दिया हूँ, इसी तरह से आपने गूगल स्टोरेज आपको बैकअप आ रहा है तो आपको नेवर पर क्लिक करके डन कर देना है, यानी कि आपका कोई बैकअप नहीं चाहिए, इस तरह का हटा देना है। तो इस तरह से ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक आता है बैकअप लेने के लिए। तो इस तरह से अपने प्रॉब्लम को इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।